पर प्रॉपर्टी का क्या नाम है? ये होटल अफजल एंड रेस्टोरेंट है, होटल अफजल है सर। यस सर। अच्छा, और कितने रूम्स है आपके? 26 है सर। और ग्रुप टूर वगैरह भी आप एक्सेप्ट करते हैं? ग्रुप आया हुआ है सर, ऑलरेडी एक ग्रुप है इसके। अच्छा, ये देखो तीन गाड़ियां लगी हैं। कहाँ से आए हैं सर? ये कोलकाता का है। कोलकाता का है, गुड। अच्छा, बाकी और फूड वगैरह भी आप लोग देते हैं? फूड अवेलेबल होता है सर, साफ सब कुछ होता है सर, गुड पूरा होता है सर। और आप लोग का चार्जेस क्या लेते हैं? चार्जेस सर अभी 1500 डबल बेड। अच्छा, और 1000 तक भी होता है। अच्छा, जैसा सीजन होता है। जैसे सीजन होता है। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश चौधरी है। अच्छा, ये जी रमेश जी है, अगर आप किसी को बोलिए। होटल अफजल है, यहाँ के होटल आपको मिले थे? हाँ हाँ, रात में ऑनर से मिला था। तो अगर आप लोगों को जी आप लोगों को अगर चाहिए तो यहाँ पे उनका बोर्ड भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को जुले, क्योंकि मैं ऑलरेडी लद्दाख स्ट्रीट में पहुंच गया हूं और मैं आज का जो राइड है मैं वो करने वाला हूं आपका कारगिल से ले के लिए। तो यहां पे है फोटोला टॉप 86 किलोमीटर, बुद्धक क्रू 66, नामिकला टॉप 50, मूलबेग 29, लामायू 99 और ले है 225। ये है जोगिंदर ढाबा, ब्रेकफास्ट करता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। खर्ची वहाँ से गर्मी। अच्छा, यहाँ ठंड में कितना बर्फ जमता है? यहाँ कभी फुट, डेढ़ फुट, दो फुट तक होता है कभी। तो फिर आप लोग रास्ता में आना जाना नहीं कर पाते? रास्ता में आने जाने के लिए बंद नहीं होता है, रास्ता बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता है, यहाँ से लेकर रास्ता खुला रहता है। खुला रहता है, ये टनल और सीमेंट का रास्ता बंद होता है, बंद हो जाता है। अब इसका ये टनल बन रहा है, 2024 तक शायद ये कंप्लीट हो जाए। जोजिला टनल बन रहा है, बन रहा है इसका तकरीबन 6 किलोमीटर इसका कंप्लीट हो जाए। 14 किलोमीटर। अच्छा, एशिया का सबसे लंबा टनल है, क्योंकि ये 6 महीना लद्दाख जो है ना, जब बर्फ गिरता है तो कट जाता है, बंद होने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। और जब मौसम खराब होगा हफ्ते तक, हफ्ता कभी 10 दिन तक जहाज नहीं आता है लेने। अच्छा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से चाइना का। तो यहाँ पाकिस्तान का यहाँ पे दिखता है, यहाँ से कारगिल से दिखता है? कारगिल, हाँ कारगिल से दिखता है। कारगिल से जो सामने पहाड़ है ना, हाँ हाँ, वो सीधा सामने पहाड़, वो सब पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, बाकी कारगिल बाजार से आपको उधर से एलओसी पे जाना था, सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला है। हाँ हाँ हाँ, खुंदुरमान गया? नहीं नहीं गया उधर, क्योंकि गाँव शाम हमारा ये नजर आता। तो सर जैसे बता रहे हैं ये फ्लैग लगा हुआ है इसराइल के, जो दूतावास जो है वो आज ले से आज आने वाले हैं, कारगिल आने वाले हैं, स्टे करेंगे। और संडे को क्या फीस्ट है सर आप लोगों का? हमारे यहाँ इमाम खमेनी, जिस इमाम खमेनी हमारा ये मसबी रिलीजियस लीडर था ना। अच्छा अच्छा, में जो इनकलाब लाया। अच्छा, वहाँ जो शाह की हुकूमत थी उसको गिरा के इमाम खमेनी ने इनकलाब लाया। अच्छा, उसी की बरसी मनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये संडे को मनाएंगे आप? संडे चार। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ इसमें शिरकत के लिए वहाँ से एरम का एम्बेसडर जो सफीर जो हमारे दिल्ली में बैठता है। अच्छा, वो ले में आके 2-3 दिन हो गया। अच्छा, और 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। मैं यहाँ रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट में मैंने आलू पराठा लिया, एक चाय, राजमा, और राजमा के साथ दही। तो ये मैं खा लिया, खाने के बाद गर्म पानी मिला मेरे को, थोड़ा मैं गर्म पानी भी थोड़ा पी लिया हूँ। अब चलता हूँ जल्दी जल्दी, जो टॉप है दो उसको क्रॉस करना है।
सो यहाँ से दिख रहा है नामिकला पास जो कि 15 किलोमीटर्स है, और खांगाल जो है ये आपका 24, लामायुरु जो है 63, ले है 186। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, ऊपर दो मोनेस्ट्री है काफ़ी अच्छा, और इंडिया का फ्लैग भी आपको दिख रहा होगा पेंट किया हुआ है पहाड़ के ऊपर। यस, ये दोनों मोनेस्ट्री, 1 और 2। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। वाओ, गुड कोटेशन। ये देखिए यहाँ भी एक छोटी सी मंदिर जैसा ऊपर कुछ है। ये मुझे इस करके उस रास्ते से ऊपर जाना है, वो ऊपर पहाड़ देखिए ट्रैक आ रही, उधर जाना है, छोटा सा दिख रहा होगा। ये फाइनली पहुँच चुके हैं नामिकला टॉप पे। जिसकी ऊंचाई है 12198। तो ये देखिए व्यू, यू आर एट नामिकला पास, काफी मस्त नजारा है। ये है नामिकला पास जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 12,198 फीट, और ये है नामिकला। ये देखिए यहाँ पे आपको छोटा सा एक बोर्ड दिया हुआ है जहाँ पे आपको सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे कहाँ पे क्या क्या देख पाएंगे, कारगिल, द्रास, रुजिला पास। और ये देखिए ये माउंटेन देखिए काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पे देखिए पूरे बर्फ जमे पहाड़। चलिए चलते हैं आगे। ये आपका एक छोटा सा टेंपल है जहाँ पे आप देखिए वो आदमी जा रहा है बांधने के लिए, अपने मन्नतों को वहाँ पे रखते हैं वो। चलिए चलते हैं। सर नंबर एंट्री करना पड़ता है क्या? खूबसूरत सा बुद्ध जी का स्टैचू है ये। ये भी गांव छोटा सा एक काफी खूबसूरत है, देख रहे हैं क्या व्यू दिख रहा है, लैंडस्केप दिख रहा है, सामने का पहाड़ क्या भयंकर जैसा दिख रहा है। देखिए स्टैचू क्या मस्त सा दिख रहा है, देख रहे हैं बड़ा सा सुंदर सा, वो ऊपर में पहाड़ में देखिए सारा बर्फ जमा हुआ है, वो सामने का भी देख रहे हैं वहां भी पूरा बर्फ जमा हुआ है। सो ये है मॉनेस्ट्री जिसे हम जाएंगे देखने के लिए। ये आपका एंट्रेंस है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस के लिए टिकट लेना पड़ेगा। ये 50 रुपीज़ का एंट्रेंस टिकट है पर पर्सन। हाँ, और ये आपका दिन में बंद होता है? दिन में लंच टाइम 1 बजे बंद होता है, 1:30 बजे खुलता है। अच्छा, 1 बजे बंद होता है, तो अभी क्या बंद हो जाएगा? अभी 15 मिनट। तो मॉनेस्ट्री तो घूम सकते हैं ना? अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये देखिए।
देखिए ये देखिए याक बना हुआ है, याक खूबसूरत सा, और ये पूरा डाउन एकदम स्ट्रेट। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी डाउन में जब अगर आप जाते हैं गाड़ी को बंद नहीं कीजिएगा, हमेशा गाड़ी को स्टार्ट में लेके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है अगर आप इंजन बंद करते हैं तो इंजन पूरा फ्री हो जाता है, और अगर आप स्टार्ट करके लेके आएंगे तो उसमें आपका एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका क्लच वगैरह के हिसाब से, कॉम्बो ब्रेक के हिसाब से उसमें एक पकड़ रहता है, ब्रेक जैसा रहता है, तो आपको ब्रेक लगाने में भी सुविधा होता है। ऑन येलो ब्लैक, पहाड़ का कलर देखिए, उस साइड देखिए, उफ पर्पल कलर के माउंटेन, यहाँ पे येलो कलर के माउंटेन, इस साइड में ब्लैक कलर के माउंटेन, अनोखा अनोखा नज़ारा है। ये देखिए मोनेस्ट्री, एक छोटा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम पहाड़ के गोद में है, देख रहे हैं एकदम पहाड़ के गोद में, क्या खूबसूरत लग रहा है। पहाड़ देखिए, वो देखिए, ये देखिए, देखते ही रहिए पहाड़ को देख के, सारे पहाड़, मैं लग रहा है नीचे एकदम छोटा सा, देख रहे हैं चारों तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, उफ क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, और साथ में देखिए ये रिवर भी साथ में बह रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इन सब जगहों में ना पत्थर गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, देख रहे हैं रास्ते को बनाने के लिए किस तरीके से काट काट के पत्थर को रास्ता बनाया गया, जिससे कि जो पहाड़ है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और इससे ही सारे पत्थर ऊपर से टूट के नीचे गिरते हैं, ये काफ़ी रिस्की होता है। यहाँ से जो खलसी है ये 10 किलोमीटर है, तो खलसी पहुँच के हम वहाँ पे अपना लंच करेंगे, क्योंकि लगभग 2 बज जाएगा। ये देख रहे हैं पहाड़ों के पहाड़, यमराज। सो फाइनली मैं खलसी जो गांव है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, और अभी का जो टाइम है 1:25 हुआ है, तो देखता हूँ वहाँ, यहाँ पे शायद पेट्रोल पंप है, खलसी में पेट्रोल पंप है ये मैं जानता हूँ, तो अगर मिलता है तो पेट्रोल भर लूँगा, और नहीं तो सेफ साइड में तो मैं ऑलरेडी हूँ। सो टाइगर खाने का मन नहीं कर रहा है। स्टेशन, चलो यस, नहीं खाना। नो दैट खलसी में आपका पेट्रोल पंप है। अभी तो चाय बिस्किट कॉफ़ी और वेर एक पैकेट बिस्किट खाए, वो रहा पंजाबी ढाबा। तो जला जला सा महक रहा है कुछ, वन व्हीकल एट अ टाइम। ये गुम्पा देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ का स्ट्रक्चर ही एकदम डिफरेंट है, पहाड़ एकदम। जाइए सर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका किलोमीटर डिस्टेंस, एंट्री करना पड़ता है मैम, एंट्री करना पड़ेगा। WB01AN6002, हाँ ये है संगम व्यू पॉइंट। ये जो आप दो नदियाँ देख रहे हैं नीचे की ओर, इसे संगम कहते हैं, जहाँ पर दो नदियों का मेल होता है, और काफ़ी खूबसूरत है ये, आप देख पा रहे होंगे नीचे,
एक ओर से आती है सिंधु नदी और दूसरी ओर से आती है झंस्कार नदी, जो दोनों यहाँ पे आके मिलती है। और ये जो व्यू पॉइंट है ये लगभग आपका लेह से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ के स्थानीय लोग इस स्थान को पवित्र स्थल मानते हैं। सिंधु नदी को बौद्ध धर्म के लोग पवित्र मानते हैं, वहीं झंस्कार नदी को स्थानीय लोग देवता नोरपा का स्वरूप माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ भी आप आ सकते हैं विजिट करने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है मैग्नेटिक हिल, जो कि लद्दाख की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह है, तो काफ़ी अच्छा प्लेस है। अगर आप कभी लेह लद्दाख आते हैं विजिट करते हैं तो मैग्नेटिक हिल ज़रूर से आप यहाँ पे आइए और विज़िट कीजिए। यहाँ पे आप ATV राइड वगैरह कर सकते हैं, वो टायर से देख के पूरा रास्ता वगैरह बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं उस साइड पर, वहाँ पर भी आप राइड वगैरह कर सकते हैं। इस जगह की जो ख़ास बात है, यहाँ पे जैसे कि लोग आते हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी को अगर हम बंद कर दें फोर व्हीलर को और न्यूट्रल में अगर हम कर दें तो गाड़ियाँ क्या है कि वो पीछे की ओर या आगे की ओर वो चलती है। अभी मैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में, ये देखिए काफी अच्छा है। तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि जूता करना पड़ेगा। ये जो आप गुरुद्वारा देख रहे हैं श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा, ये श्रीनगर लेह हाईवे पर स्थित है और यहाँ से लेह शहर जो है वो 25 किलोमीटर दूर है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं इस गुरुद्वारा के विषय में आपको दूँ, जो यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है जो देख पा रहे होंगे आप। गुरु नानक देव जी 1517 ईस्वी में यहाँ पर आए थे और यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है उस साइड पर, पहाड़ के ऊपर में एक पापी राक्षस हुआ करता था, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड में दिया हुआ है, मैं जो आपको बता पा रहा हूँ। तो वो जो राक्षस था वो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशान करता था। तो यहाँ पे जो राक्षस था ये लोगों को मारकर खा जाता था, इसके कारण गुरुजी ने नदी के किनारे, यहाँ पे एक नदी है, उस नदी के किनारे अपना आसन लगाया और ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद जो राक्षस था वो गुरुजी को मारने के लिए उस पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर को नीचे फेंका, जो कि गुरुजी के पीठ पे जाके लगा, मगर गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो जो पत्थर था वो मोम का बन गया था, जिससे उनको कुछ नहीं हुआ। तो राक्षस जो था वो आकर देखा कि ये पत्थर जो है यहाँ पे, उस पत्थर से गुरुजी को कुछ भी नहीं हुआ। तो उस पत्थर के ऊपर उसने जब पैर रखा राक्षस ने, तो पता चला कि वो मोम का बन गया है। तो राक्षस ने जब देखा कि गुरुजी को कुछ नहीं हुआ तो उसे राक्षस को लगा कि वो एक जो भक्त हैं उस भक्त को राक्षस मारने की कोशिश कर रहे थे, जिससे राक्षस को काफ़ी पछतावा हुआ। और उसके बाद जो राक्षस है उनको आदेश दिया गया गुरुजी के द्वारा कि आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए आप रहिए। तो इस कारण से जो पत्थर साहिब गुरुद्वारा है काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, सामान वगैरह भी रख सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। चाय पीता हूँ। तो ये वाली भी प्लेस आप देख सकते हैं, जैसे अमृतसर में मैंने दिखाया था आपको वैसे यहाँ भी है। ये देखिए ऊपर में, काफी मस्त है, काफी अच्छा लग रहा है। जो पत्थर जो गिरा गया था ये इस यहाँ से गिरा है। ये देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे आपका जो झंडा लगा हुआ है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है आपका हॉल ऑफ फेम। ये आपका कारगिल शहर से 4 किलोमीटर दूर है, मतलब यहाँ से जो मैं हूँ
यहाँ से मुझे कारगिल जाने के लिए, शहर जाने के लिए 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये टैंक वगैरह, ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। मैं एक्चुअली जो पहुँचा हूँ लेट हो गया हूँ, जिसके कारण यहाँ पे जो एक शो चलता है उस शो को मैं नहीं देख पाया। मैं गया था गाड़ी वाड़ी पार्क करने के बाद, जैसे मैं पहुँचा तो बंद हो गया था, तो इसे विज़िट करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम कभी अगर आऊँगा तो ज़रूर विज़िट करूँगा। पार्ट आप देख सकते हैं, तो आते आते बंद हो गया सर। हाँ, कितने बजे से? 6 बजे का। सुबह 7:30 बजे की नहीं जाएगा, तो उस समय देख सकते हो? उस समय म्यूजियम तो बंद हो गया, नेट शो देख सकते हैं। कल सुबह कितना बजे? 9 बजे से कितने बजे तक? 1 बजे तक। 9 बजे से 12:30 लंच टाइम होता है, 12:30 से 2 बजे तक। 2 बजे तक, 2 घंटे का। ठीक है सर, थैंक यू। ये है हमारे देश की शान, पिक्चर से देख रहे हैं, बॉर्डर पिक्चर में ये देखिए भैया लोग। अगर हो सके तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के पास और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं, क्योंकि आप लोगों का प्यार काफ़ी ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आने वाले वीडियो में फिर से जल्दी आपसे मिलता हूँ।